तो दोस्तों यहां पर शाओमी की और रियलमी की सैमसंग ने पुंगी बजा दी। अबे क्या है ये पुंगी 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 बजा दी। शाओमी की और रियलमी की सैमसंग ने पुंगी बजा दी है। फोन लॉन्च किया है सैमसंग गैलेक्सी M30S जो कि कम बजट में है, और क्या बजट है वो आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन जो इसकी स्पेसिफिकेशन दी है भैया कमाल की दी है। वीडियो के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पूरी बात डिटेल में, क्या इस फोन में अच्छाई है क्या बुराई है, ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पूरी बात करेंगे इस वीडियो। वीडियो के स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EFM। इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के रिव्यू की शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले से। डिस्प्ले आपको यहाँ पर दिया गया है 6.4 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। बैक में आप जाएंगे वहां पर आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है, ग्लास बॉडी नहीं मिलती है। आजकल ग्लास का जमाना है, बट यहाँ पर आपको ग्लास बॉडी नहीं प्लास्टिक मिलती है, जो कि एक माइनस पॉइंट है। बुरा नहीं बोल सकते लेकिन ये माइनस पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर बैक में, जो कि अगर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होना चाहिए था, बट यहाँ पर नहीं है। ये भी एक माइनस पॉइंट है, लेकिन इतना बुरा भी इसको नहीं कह सकते। और बैक में आपको मिलता है ट्रिपल कैमरे का सेटअप। यहाँ पर जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का दिया गया है f2.0 अपर्चर के साथ। दूसरा कैमरा डीप सेंसर का दिया गया है, जो कि 5 मेगापिक्सल का है f2.2 अपर्चर के साथ। तीसरा कैमरा है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि f2.2 अपर्चर के साथ है। फ्रंट कैमरा भी आपको यहां पर दिया गया है, जो कि 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। और डिस्प्ले में नोच बताना भूल गया था, वाटर ड्रॉप नोच है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और दोस्तों इसका जो प्रोसेसर दिया गया है वो भी नया वाला दिया गया है, एक्सिनोस का 9611, जो कि 10nm पर बेस है। और दोस्तों इस फोन की जो सबसे इम्पोर्टेंट मेन बात है ना, वो है इसकी बैटरी। बैटरी यहाँ पर आपको मिलती है 6000mAh की बैटरी, यानी कि पूरा बैटरा दे दिया गया है 6000mAh बैटरी, और साथ में 15 वॉट का फास्ट चार्जर भी दिया गया। और ये फ़ोन 15 वॉट फास्ट चार्जिंग ही सपोर्ट करता है, 15 वॉट से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। अगर 6000mAh की बैटरी तो कम से कम यहाँ पर 18 वॉट या फिर 20 वॉट का चार्जर हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। सपोर्ट तो हो जाना चाहिए था अगर चार्जर ना भी देते, बट कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता है। अब दोस्तों इसकी बात कर रैम स्टोरेज और इसके प्राइस की, तो यहाँ पर ये दो वेरिएंट में उतारा गया है और दोनों ही वेरिएंट में आपको 3-3 कलर भी आपको मिल जाते हैं। तो इसका जो पहला वेरिएंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, ये आपको मिलता है 13,999 रुपये का। और यहाँ पर जो रैम दी गई है वो LPDDR4X वाला रैम दिया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो इसका दूसरा वेरिएंट है वो आपको मिलता है 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस है 16,999 रुपये का। तो यहाँ पर 3,000 का फर्क कर दिया, एक 14,000 में पड़ता है और एक पड़ता है आपको 17,000 में। आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अपना ओपिनियन बताऊँ, 2,000 का फर्क कर देते लेकिन यहाँ पर स्टोरेज बहुत ज़्यादा मिल जाता, शायद इसलिए 3,000 उन्होंने एकदम से बढ़ा दिए। अब दोस्तों फाइनली बात ये निकल के आती है कि अब ये फ़ोन क्या सही है, हमें ये फ़ोन लेना चाहिए क्या, इसमें कोई कमी तो नहीं है। तो देखिए कमी तो हर फ़ोन में कोई ना कोई होती है, लेकिन इस फ़ोन में इस बजट में कोई भी ऐसी कमी नहीं है, और 14,000 वाला फ़ोन मेरे लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है। यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो कोई बुरा नहीं है, ये टक्कर देता है आपके स्नैपड्रैगन को 712 को, जहाँ पर आप पबजी गेम बहुत ही स्मूथली खेल सकेंगे इस फ़ोन में। हाँ अगर आप हाई सेटिंग में खेलेंगे तो थोड़े बहुत थोड़े से बिल्कुल चुन्नू मुन्नू से आपको लैग देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बाकी स्मूथली चलेगा अगर आप नॉर्मल सेटिंग में खेलते हैं तो। प्रोसेसर अच्छा है और इसकी बैटरी मेन चीज़ है यार, जो हम सभी लोगों को चाहिए होती है। बैटरी यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है, रैम भी आपको अच्छा मिल रहा है, कैमरा भी लगभग अच्छा ही है फ्रंट का भी और बैक का भी, और क्या चाहिए यार इस प्राइस में। और इसकी जो बात रही बॉडी की, फिंगरप्रिंट आपको इन डिस्प्ले नहीं मिलता है, तो वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जो हमें आजकल ज़रूरत है जिस चीज़ों की, वही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और बाकी ओवरऑल फ़ोन पूरा बेस्ट है, अच्छा फ़ोन है देखने में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो 14,000 रुपये वाला एकदम बेस्ट है, बाकी 17,000 वाला भी सही है, बट मैं मुझे नहीं लग रहा 14,000 वाला बेस्ट है, तो आप ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।